नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के ऊपर जो मानहानि का केस दर्ज था, इसको लेकर आज गुजरात हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हम आपको बताते चलें कि तेजस्वी यादव मौजूदा समय में विदेश यात्रा कर रहे हैं, वो अपने परिवार के साथ विदेश में है। इसी दौरान तेजस्वी यादव को लगातार ये परेशान कर रहा था कि गुजरात हाई कोर्ट का जो फैसला है वो आज आने वाला था, और ये मामला दरअसल मानहानि का मामला है, वही मानहानि का केस जिस वजह से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खारिज कर दी गई, लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई। अब तेजस्वी यादव को ये परेशान कर रहा था। तेजस्वी यादव लगातार इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी में थे कि आखिर उनकी भी सदस्यता खत्म ना कर दिया जाए और उन्हें भी जेल ना जाना पड़ जाए। इस वजह से तेजस्वी यादव काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे थे, और आज जो है इसकी अंतिम तारीख थी, यानी कि आज गुजरात हाई कोर्ट को अंतिम फैसला सुनाना था। लेकिन आज गुजरात हाई कोर्ट ने जब इस मामले को देखा तो इस मामले को देखते हुए अगली सुनवाई का डेट दे दिया, और ये डेट 6 जुलाई की है, यानी कि अब इस मामले को लेकर अंतिम सुनवाई जो है वो 6 जुलाई को की जाएगी। हम आपको बताते चले कि दरअसल गुजरात हाई कोर्ट में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज था, और ये जो मामला है दरअसल ये तेजस्वी यादव जो है विधानसभा में मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दौरान उन्होंने ये कह दिया था कि गुजराती शब्द जो है वो ठग है। गुजराती शब्द को ठग कहते हुए तेजस्वी यादव ने ये विवादित बयान दे दिया था, और अब इस मामले में बड़ा फैसला गुजरात मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने सुनाया है। और अब तेजस्वी यादव की जो मामले में काफ़ी ज़्यादा वो परेशान चल रहे थे, अब इस मामले को लेकर अगली सुनवाई जो है वो 6 जुलाई की रखी गई है। हम आपको बताते चलें कि गुजराती शब्द को जो तेजस्वी यादव ने ठग कहा था, इसको लेकर सारे गुजराती जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आहत हो गए थे, और अहमदाबाद के गुजराती ने गुजरात हाई कोर्ट में जाकर इस मामले को दर्ज करवाया और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर मानहानि का केस दर्ज किया। यही वो मानहानि का केस है। गुजराती शब्द को राहुल गांधी ने भी एक विवादित बयान दिया था, गुजराती शब्द को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खारिज कर दी गई। और अब तेजस्वी यादव पर ये बड़ा परेशानी का मामला है कि तेजस्वी यादव जो हैं उन पर भी मानहानि का केस दर्ज है, और ये वही मामला है, उन्होंने भी गुजराती शब्द को लेकर आपत्तिजनक बयान दे दिए, और गुजरात के ही एक व्यक्ति ने उन पर मानहानि का केस दर्ज कर दिया है। और अब गुजरात मेट्रोपॉलिटन जो कोर्ट है उसने ये बड़ा फैसला सुनाया। हालांकि अब जो इसकी जो अंतिम फैसला सुनाया जाएगा वो 6 जुलाई को सुनवाया जाएगा। इस बारे में कोई भी अपडेट निकलकर सामने आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए फर्स्ट बिहार देखते रहें। धन्यवाद। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।